गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिए आपके हिंदी की जो एक कविता है जिसके कवि हैं तुलसीदास जी। पहले हमने इनका जो कवितावली जो भी पढ़ा उसके बाद इनके इन्होंने लिखा है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। आप जानते हैं कि हमने सुना भी हुआ है, देखा भी है कि किस तरह से जो लक्ष्मण है वो मूर्छित हो जाते हैं, कि जब वहाँ पर युद्ध चल रहा होता है, जब जो श्री राम हैं वो लंका जाते हैं, रावण से युद्ध करते हैं, उससे पहले उनके सैनिकों का सामना होता है, तो वहाँ पर जो लक्ष्मण है वो मूर्छित, मूर्छित मतलब बेहोश हो जाना, बेहोश हो जाते हैं। और राम का विलाप, विलाप क्या होता है, मतलब दर्द से कराहना, मतलब दर्द पीड़ा जब होती है तो हम लोग विलाप करते हैं, हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो उस समय श्री राम की आंखों में आंसू आते हैं, किस तरह से वो लक्ष्मण के बिना मतलब अपने आप को कैसे वो पाते हैं, कि वो किस तरह से अब अपना जीवन जिएंगे अगर उनके भाई लक्ष्मण ना रहे, तो वे बहुत चिंतित हो जाते हैं, बहुत व्याकुल हो उठते हैं। और उस समय जब वैद्य को बुलाया जाता है, और जो वैद्य है वो एक संजीवनी बूटी बताता है कि अगर वो संजीवनी बूटी आ जाए तो लक्ष्मण को इस बेहोशी की हालत से बाहर लाया जा सकता है। लेकिन वो संजीवनी बूटी जो होती है बहुत दूर से लानी होती है, समय बहुत कम होता है, क्योंकि अभी तो लक्ष्मण बेहोशी की हालत में था और ये कुछ समय तक ही वो ऐसे रह सकता था। तो उसके बाद जो हनुमान है वो संजीवनी बूटी लाने को तैयार होता है और श्री राम से ये कहकर कि वो जल्दी ही वापस लौट आएगा, तो उसे रात भर में मतलब वहां से वापस आना होता है, समय कम होता है, जो जहाँ जाना होता है संजीवनी बूटी लेने के लिए वो जगह बहुत दूर होती है। तो राम ये कहकर चला तो सॉरी हनुमान जो है वो ये कहकर चला तो जाता है कि वो जल्दी ही लौट आएगा, लेकिन उसे लौटने में कुछ समय तो लगता ही है, फिर भी वो आ जाता है। लेकिन उसके पीछे से जो श्री राम है वो कितने चिंतित हो उठते हैं लक्ष्मण की बेहोशी को लेकर, कि वो सोचते हैं कि अगर हनुमान ना लौटा तो वो लक्ष्मण के बिना कैसे रह पाएंगे। तो इसमें वही सब वर्णन किया है। शुरू में इसमें जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर वापस लौट रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें कहीं वो जो भरत दिखाई देते हैं जो श्री राम का गुणगान कर रहे होते हैं, तो हनुमान उनके दर्शन भी करते हैं, उनकी वीरता का गुणगान भी करते हैं। तो इसमें वही सब कुछ बताया है। तो जो ये कविता का नाम रखा गया दोहा, दोहा जो एक छंद है, मतलब जैसे अलंकार होते हैं ग्रामर का टॉपिक है छंद, तो वैसे ही इसमें कौन से छंद का प्रयोग किया गया, दोहा छंद का। तो इसमें जो भरत से वो मिलते हैं, भरत जो है वो खुश होते हैं हनुमान से मिलकर, और वो संदेश देते हैं श्री राम के नाम, कि वो श्री राम के जाकर श्री राम जी को जाकर उनका प्रणाम करे। तो इसमें वो सब कुछ बताया है। तो इसमें जो हनुमान जी हैं वो कहते हैं, जो हनुमान जी हैं वो भरत से कह रहे हैं, तव प्रताप उर राखी प्रभु जय हूँ नाथ तुरंत, असि कह आयुषु पाए पद बंद चलेउ हनुमंत। इसमें देखिए जो हनुमान जी हैं वो भरत से कह रहे हैं कि भरत जी के दर्शन करते हैं, उन्हें पता चलता है कि भरत जी श्री राम के भाई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चाहे उन्हें वो राजकाज सब कुछ मिल जाता है कि कैसे वो वनवासियों की तरह वहाँ अपना जीवन व्यतीत करते हैं श्री राम के वियोग में, कि जब तक श्री राम जी 14 वर्ष का वनवास काट कर नहीं आते उन्होंने भी जो राजकाज को नहीं अपनाया था, कि वे भी वहाँ पर राजगद्दी पर नहीं बैठे थे। तो इस चीज़ से हनुमान जी बहुत प्रभावित होते हैं। तो वो कहते हैं कि हे भरत, मतलब हे नाथ, नाथ मतलब स्वामी, वो भरत को कह रहे हैं नाथ, कि हे स्वामी तव प्रताप, तव मतलब तुम्हारी, प्रताप वीरता, उर राख, उर में रखकर, उर मतलब हृदय, कि तुम्हारी वीरता को हृदय में रखकर, प्रभु जयहू, जयहू मतलब जाना, कि प्रभु शब्द किसके लिए है, श्री राम जी के लिए, कि तुम्हारी वीरता का गुणगान करते हुए, तुम्हारी वीरता को हृदय में रखकर, कि अब मैं श्री राम के पास तुरंत ही चला जाऊंगा। क्योंकि हनुमान जी जैसे वहां की घटना के बारे में बताते हैं कि संजीवनी बूटी लेने वो आए थे, शीघ्र ही उन्हें जाना होगा, कि वो ज़्यादा समय यहाँ नहीं रुक सकते। तो जो भरत जी हैं उनकी आंखों में आंसू होते हैं, और जो हनुमान जी हैं वो उनसे कहते हैं कि हे स्वामी तुम्हारी वीरता को हृदय में रखकर, मतलब तुम्हारी वीरता का गुणगान करते हुए मैं प्रभु श्री राम जी के पास तुरंत ही चला जाऊँगा। असी कह, असी मतलब ऐसा, कह कहकर, ऐसा कहकर
आयसु पाई, आयसु मतलब आज्ञा, पाई मतलब पाकर, कि ऐसा कहकर हनुमान जी ने भरत जी से जाने की आज्ञा मांगी। और जब आज्ञा मिल गई, पद बंदी चलेऊ हनुमंत, पद मतलब पैर चरण, बंदी मतलब वंदना करना, जैसे स्पर्श करते हैं हम चरण स्पर्श, चलेऊ हनुमंत हनुमान जी, हनुमंत मतलब हनुमान जी। तो ऐसा कहकर उन्होंने भरत जी से वहां से चलने की आज्ञा मांगी, क्योंकि उन्हें तुरंत वहां पहुंचना था, लक्ष्मण जी बेहोश थे, संजीवनी बूटी लेकर जानी थी। तो ऐसा कहकर जो हनुमान जी थे वो उन्होंने भरत जी से आज्ञा मांगी और उनके चरणों की वंदना की, मतलब उन्हें प्रणाम किया और वहां से चल पड़े। भरत बाहु बल सील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मनमहु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। अब जो हनुमान जी हैं वो भरत जी से बड़े प्रभावित होते हैं, क्योंकि वो भरत जिन्हें सारा राज काज मिला था, राज गद्दी मिली थी, फिर भी उन्होंने वो सब कुछ त्याग कर वो वनवासियों की तरह अपना जीवन जी रहे थे श्री राम की प्रतीक्षा में। कि उनके प्रेम को देखकर जो हनुमान जी हैं, भरत बाहुबल, भरत की एक तो बाहुबल मतलब भुजाओं की शक्ति, बाहु मतलब भुजाएं, बल मतलब शक्ति, सील होता है व्यवहार, गुण मतलब गुणगान करना, कि भरत की शक्ति को देखकर, उनकी वीरता को देखकर, उनके व्यवहार को देखकर जो हनुमान जी उनका गुणगान करते जा रहे हैं। प्रभु पद प्रीति अपार, प्रभु मतलब श्री राम, पद मतलब पैर चरण, प्रीति होता है प्रेम, अपार अत्यधिक, कि क्योंकि जब वे भरत से मिले तो भरत जी को जब पता चला कि हनुमान जी श्री राम के ही सेवक हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो उनका मतलब भरत जी का श्री राम के चरणों के प्रति इतना अधिक प्रेम देखकर जो हनुमान जी हैं वो उनका गुणगान किए जा रहे हैं। इसमें यही बताया कि जब हनुमान जी भरत जी से आज्ञा लेकर उनके चरणों की वंदना करके वहां से चल तो पड़ते हैं, लेकिन जब वो अभी वहां पहुंचे नहीं, रास्ते में वो भरत की वीरता का, उसके उनके व्यवहार का गुणगान कर रहे हैं और उनका श्री राम के प्रति जो अत्यधिक प्रेम है उसके बारे में वो सोच रहे हैं। मनमहु मन ही मन में, मन ही मन में जात सराहत, जा रहे हैं, सराहत मतलब प्रशंसा करते हुए जा रहे हैं। और पुनि पुनि, पुनि पुनि मतलब बार बार, पवन कुमार, पवन कुमार किसको कहा जाता है, हनुमान जी को। तो जो हनुमान जी हैं वो रास्ते में बार बार मन ही मन में भरत की जो ये सारा गुणगान कर रहे हैं, भरत जी का जो श्री राम के प्रति जो प्रेम है, जो व्यवहार है, कि उन्होंने राजकाज को छोड़कर वहाँ पर वनवासियों की तरह वे भी श्री राम की तरह जीवन जी रहे हैं, कि इतना बड़ा राजमहल होते हुए भी वे वहाँ नहीं रहते, बाहर ही उन्होंने श्री राम जी की तरह ही वो घास फूस की जो कुटिया बनाई हुई है। तो इन सारी चीज़ों का जो है हनुमान जी वो मन ही मन प्रशंसा करते हुए वहाँ से जा रहे हैं।